राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है घंटियों की। घंटियों का क्या महत्व है? हर मंदिर में हम जाते हैं, वहां घंटियां लगी होती हैं, तो क्यों लगी होती हैं घंटियां? और घंटी ही क्यों बजाई जाती है जब मंदिरों में, और हर किसी के घरों में भी अगर मंदिर है तो किसी की छोटी घंटी, मंदिरों में बड़े बड़े घंटे होते हैं, क्यों? शंख, मंदिरों में शंख क्यों बजाते हैं? शंख के पीछे तो बहुत बहुत सारे रीजन है, क्योंकि घंटी का जो साउंड होता है वो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है, वो हमारे जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उसको भगाता है। ऑल्दो जो घंटी बजाने से जो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो हमारे मन को बहुत शांत रखती है। हर मंदिर में घंटी होती है, बड़े बड़े मंदिरों में घंटियां, पहले जो बड़े बड़े घंटे होते थे उसे इसलिए बजाया जाता है ताकि आसपास के जितने भी लोग हों आरती से पहले घंटी बजाते हैं, ताकि उनको ये पता चल जाए कि भाई आरती होने वाली है, इस वजह से घंटी बजाई जाती है। घंटी का प्रावधान कई मंदिरों में तो ऐसा भी है कि घंटियां चढ़ाई भी जाती हैं। तो ये घंटी बजाने का महत्व ये है कि आप लोगों ने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज देखिए। उसमें एंड में जो स्पाइडरमैन की तरह ही जो विलन होता है, उसके पास वो सारी शक्तियां होती हैं लेकिन वो विलन होता है। अब वो मरता कैसे है ये आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो इस वीडियो में आप देखिएगा कि उसमें जब वो जो विलन को मारता है तो उसमें एक साउंड होता है, हर एक साउंड से वो विलन मर जाता है। तो घंटी का भी वही महत्व है कि घंटी की आवाज से भूत प्रेत और ये सब चीजें भाग जाती हैं, क्योंकि घंटी में एक पॉजिटिव शंख की जो आवाज होती है वो बहुत सारे वायरस को भगाती है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में भी ये चीज डिक्लेयर की गई है कि जो शंख की ध्वनि होती है वो मलेरिया, डेंगू, इनकी जो कीटाणु, जो वायरस होते हैं इनको कम करती है। कोड़ वाली जो डिजीज होती है उसको भी बहुत कम करती है। शंख की ध्वनि आप जितने भी एरिया में जो आवाज जाती है वो पॉजिटिविटी का काम करती है। वो साइंटिफिक रीजन भी उसका ये है कि जो शंख बजाते हैं उसमें जो किरणें, जो जो वॉइस निकलता है, वो जो कंपन होता है, उससे भी कीटाणु दूर हो जाते हैं। तो एक साइंटिफिक रीजन ये है कि ये जो वायरस होते हैं, जो ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेकार होते हैं, उसको भगाता है। और शंख बजाने वाले के फेफड़े कभी खराब नहीं होते, क्योंकि शंख बजाने में फेफड़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब शंख बजाते हैं तो बहुत ताकत चाहिए, ऐसे आसानी से शंख नहीं बजता। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो भी शंख बजाते हैं, उनको जैसे बोला था, उनकी एक मशीन होती है ना जिसको हार्ट की ऑपरेशन जिसके होते हैं, तो उनको एक मशीन दी जाती है कि आप इसमें फूंक मारिए और बॉल ऊपर टच करनी चाहिए। तो अगर वो शंख बजा रहे हैं तो उनके ये फेफड़ों की प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं सकती। हार्ट की प्रॉब्लम में आराम मिलता है अगर किसी को भी ये हो तो शंख बजाना चाहिए। शंख आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों रीजन से हमें बहुत पॉजिटिव करता है। घंटी का भी वही महत्व है कि घंटी की आवाज से भूत प्रेत और ये सब चीजें भाग जाती हैं, क्योंकि घंटी में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और देखते रहिए सनराइज दीवा। राधे राधे।